कुछ बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रैंडमली उठाए कुछ भी पढ़ते रहेंगे. जैसे मान लिया अगर मेरे को तीन सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ बैकलॉग पढ़ा है, तो कभी वो ये बैकलॉग का ये वाली चीज पढ़ ली, कभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका पढ़ लिया, कभी हमने रिवाइज कर लिया, कभी बैकलॉग में से एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश की. तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए. अगर तुम रैंडमली पढ़ोगे तो तुम्हारे टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं होगा. तो आई शुड हैव ए फिक्स्ड प्लान पूरे वीक का एंड पूरे मंथ का. अगर मान लिया चार चैप्टर मेरे बैकलॉग में है, मेरे को रिवीजन भी करना है, तो मेरे को यह पता होना चाहिए इस दिन मैं इस वाले चैप्टर का रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं ये वाली चीज पढ़ूंगा. तो अगर तुम्हारे पास टारगेट सेट होगा उस पूरे दिन के लिए, तो जो तुम्हारे टाइम का यूटिलाइजेशन है वो बहुत बेटर होगा, रादर देन कि रैंडम चीजें पढ़ते रहे. तो रैंडमनेस को अगर तुम एक डायरेक्शन दे दोगे तो इट विल बी ए फोर्स जो तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. तो आई वुड से कि इस तरह की चीज से बने एक बचे और हम टोटल एक प्लान बनाएं. कम से कम वीकली प्लान तो जरूरी बनाएं, अदरवाइज मंथली प्लान भी बना सकते हैं. अगर मेरे पास कुछ जैसे हर मंथ में अगर टेस्ट आ रहा है तो ऑफकोर्स मेरे को रिविजन भी करना पड़ता है, तो उसका भी मेरे को कहीं ना कहीं टाइम फिक्स करना पड़ता है. तो इस तरह की चीजें प्लान जब भी किया जा सकता है कि जब मेरे को पूरे मंथ का एक ओवरव्यू हो के इस मंथ में मेरा ये चैप्टर चल रहा है, इसको मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा और इस तरह पे इस टाइम पे मैं बैकलॉग कंप्लीट करूंगा. तो इसलिए आई वुड से कि अगर तुम प्लान से पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज होगा और तुम्हारा जो एफिशिएंसी है ये ठीक है, इफेक्टिवनेस है, वो भी बढ़ जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम.